नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छेना। ये हम दीपावली स्पेशल बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं घर पर छेना। ये घर की ही बनी हुई पनीर से बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये स्पंजी बना है। इस तरह से आप भी दीपावली में बना सकते हैं मात्र दो चीज़ों से, दूध और चीनी से। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। पनीर को मसलने के लिए हम थाली ले लेंगे। छेना बनाने के लिए हमने पनीर ले लिया है 200 ग्राम। ये घर की बनी हुई पनीर है। पनीर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ज़्यादा छान दिया है, तो इसमें पानी नहीं है। बहुत ही सूखा लग रहा है, मगर ये मसलते मसलते थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको मसलेंगे 10 से 15 मिनट तक। ये बहुत ही बढ़िया स्मूद हो जाएगा। जैसे हम खोया को मसलते हैं वैसे ही इसको भी मसलना है। तो बहुत ही अच्छा ये छेना हमारा बनकर तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा सूखा लग रहा है दूध या पानी मिला लें। पनीर को मैंने अच्छे से मसल लिया है। इसको थोड़ा सा जिस कपड़े से मैंने पनीर छाना था उसी में लपेट कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम उसको फिर से मसलेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने फिर से ले लिया है, फिर से इसको मसलूंगी। अभी ये सूखा लग रहा है, थोड़ा सा मैं और मसल देती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारे छेना बनकर तैयार होंगे, कोई भी मिलावट नहीं है। ये मैंने 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है उसी से पानी ले लिया है, उसको डाल दिया है। थोड़ा सा सूखा लग रहा था, अगर आपको लगे पनीर सूखा है तो आप भी डाल सकते हैं। अब इसके हम एक गोली बनाकर देखेंगे। गोली अगर हमारी फटी होगी तो उसके बाद हम इसको और मसलेंगे, वरना इसको नहीं मसलना है। आप देख सकते हैं छेना हमारे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे ही हम सारे छेना बनाकर तैयार करेंगे। हाथों से अच्छे से मसल लें उसके बाद बनाएं, तो गोली हमारी फटेगी नहीं। आप इसको चपटा भी बना सकते हैं, जैसे रसमलाई के साथ छेना रहता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सारे छेने हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी को मैंने पकने के लिए रख दिया है 1 कप चीनी और 2 कप पानी डालकर। आप देख सकते हैं चीनी हमारी घुल गई है। इसमें अगर मैल है तो आप उसको निकाल सकते हैं दूध डालकर। इसमें मैल नहीं दिख रही है, तो अब मैं इसमें छेना डालती जाऊंगी। गैस को तेज कर दें, एक एक करके ही डालें। इसमें जो उबाल आ रहा है तो ये न बंद होने पाए। तो ऐसे ही हमको छेने को पकाना है, धीरे धीरे डालना है, वरना एक दूसरे से ये जुड़कर टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से उबल रहे हैं छेना हमारे, बहुत ही बढ़िया हमारे छेना फूल रहे हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। मैंने कुछ भी इसमें मिलावट नहीं किया। बाजार का जो छेना होता है वो व्रत में खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें अरारोट और मैदा मिलाया जाता है। ये पेवर मैंने पनीर से बनाया है, तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। जब भी आपका छेना खाने का मन हो तो इस तरह से पनीर बनाकर आप छेना खा सकते हैं। छेना हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। इस दीपावली आप भी घर पर ही बनाएं छेना, क्योंकि बाजार की मिठाइयाँ बहुत ही मिलावट वाली आएंगे, तो इस तरह से प्योर मिठाई आप बनाकर खा सकते हैं। मेरे चैनल अनामिका रसोई किचन में बहुत सारी ऐसी रेसिपी है मिठाइयों की कि आप दीपावली में बनाकर खा सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो जरूर हमारे चैनल अनामिका रसोई किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।